हेलो नमस्कार सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल इस समय क्या चल रहा है, इसमें वेडिंग सीजन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हो रही है, जिस वजह से कोरोना भी इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, वैसे देख रहे हैं शादियाँ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना और बहुत सारे लोगों के घरों में शादियाँ होंगी, रिलेटिव में शादियाँ होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग जा नहीं पा रहे होंगे, बिकॉज जाएँ तो वहाँ पर लेकिन ससुरे मिल जाएंगे सब रिलेटिव्स, कोई पूछेगा भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस डर की वजह से लोग नहीं जा पा रहे, बट कोई नहीं यार, ये सब चीज़ें क्या है, किसी की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपनी चीज़ों को एंजॉय करिए, लाइफ को एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। पहले एक टाइम ऐसा होता था कॉलेज टाइम में, आप लोग सभी होता होगा कि हम लोग सोचते थे यार जल्दी से कोई इनविटेशन कार्ड आए तो जाएंगे मस्ती करके आएंगे, और एक आज का समय है कि इतने सारे इनविटेशन कार्ड पड़े हुए हैं घर में जाने के लिए, लेकिन अटेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज इतनी सारी क्लासेस होती हैं कि उसी में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। तो ठीक है, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, इसको भी एंजॉय करिए। और आप लोग के साथ, हम लोग के साथ तो ऐसा होता था कॉलेज टाइम में ऐसा होता था कि दोस्त होते थे तो ऐसा भी होता था कि हम बिना नोटिस के निकल जाते थे लोग शादियों में, है ना। नहीं हम नहीं करते थे, बहुत अच्छे थे, जैसे आप लोग बहुत अच्छे हो ना, लेकिन बहुत सारी मेमोरी ऐसी होंगी आप लोगों के साथ भी, है ना। होता था मतलब उसमें तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता था, नहीं कि होता था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी, और कुछ दोस्त तो ऐसे होते थे मतलब कि उससे खाना भी खा के आते थे प्लस वहाँ पे डांस वांस भी करके आते थे मस्त तरीके से, ये होता था कॉन्फिडेंस लेवल, है ना। तो चीज़ें होती थी, लाइफ ऐसी ही चलती रहती है, लेकिन ध्यान आप ये रखिए ये सब चीज़ें, ये पाइप भी एक लाइफ का पार्ट है, इसको भी इन्जॉय करिए और ज़्यादा किसी की बातों को सुनिए मत, एक कान से सुनिए एक कान से निकालिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो स्टेट लेवल के होने वाले हैं, उसके बाद सेंट्रल लेवल की बात करें तो भैया आपका SSC रेलवे को टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई करते रहिए यार। देखो पढ़ाई को एक अपना जैसे खाना रोज खाते वैसे इसको एक अपना डेली रूटीन का एक पार्ट बना लीजिए, करते रहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करिए बेटा, वही जो है जो कि सब कुछ देगा आपको, नेम फेम देगा, बाकी सब बेकार है, ठीक है ना। और ध्यान दे रखिए कि एग्ज़ाम और उन्हें पढ़ाई करिए बेटा, बहुत सारे सिलेबस जो है आप लोग को चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है, तो जैसे रेलवे में आपका बात करें या किसी भी एग्ज़ाम में बात करें तो मैथ आ गया, जनरल इंजीनियरिंग आ गया, बहुत सारी जनरल साइंस चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो आपको ध्यान रखना कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करना है बेटा, बाकी तो ज्ञानबाजी चलते रहेगी, ज्ञान बहुत मिल जाएगा, पहले सिलेक्शन ले लो उसके बाद, ठीक है। बाकी रिगार्डिंग यूट्यूब क्लासेस की, तो चक्र क्लासेस पे बहुत जल्दी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, आपको बस ध्यान ये रखना है कि हाँ उसको देखना है और नोट्स बनाने हैं, इन्जॉय करना है, और कोई भी डाउट हो तो बस पूछना है, ठीक है। बाकी कुछ भी हो, वैसे भी चीज़ें हो, यू आर ऑलवेज देयर टू टॉक टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। और इसी तरह से मत करते यार, कोई भी ज़्यादा किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिए, लाइफ है, लाइफ को एंजॉय करिए और आगे पढ़ाई करते रहिए, एकमात्र गोल एक बार सिलेक्शन लो, बाकी उसके बाद तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।